का वाटर पोल्यूशन। हमने बेटे पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी है जब हमने एयर पोल्यूशन पढ़ी थी। अब पोल्यूशन हम कहते किसे हैं, कोई भी शय जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है उसमें दाखिल हो जाए वो पोल्यूटेंट कहलाता है और वो नुकसानदेह भी साबित हो। अब इसी तरह वाटर पोल्यूशन को भी हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब कंटेमिनेंट्स भी हमने देखे थे, कंटेमिनेंट सिर्फ उस चीज़ को नाखालस बनाते थे, जबकि पोल्यूटेंट्स क्या हैं कि वो उस चीज़ को नाखालस भी बना रहे हैं और नुकसानदेह भी साबित होते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपाउंड्स। ये कैसे कंटेमिनेट होता है कि जब बहुत सारी तरह के डिस्चार्जेस वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, किस तरह से, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, किसी भी तरह का उनको साफ नहीं किया जाता, जो वेस्ट निकल रहे हैं उनको ऐसा पानी के अंदर शामिल कर दिया जाता है तो वो उस पानी को नाखालस बना देते हैं। अब इनमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इफ्लुएंट्स शामिल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, और एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस। अब बेटे इन्फ्लुएंस से क्या मुराद है? ये सपोज कोई एक सिस्टम है, कोई घर है, कोई कारखाना है या कोई खेत है, जो चीज़ इसकी तरफ आ रही होगी वो कहलाती है एफ्लुएंट, उसे हम क्या नाम देंगे, और जो चीज़ इससे निकल रही है परे जा रही है वो कहलाएगी इफ्लुएंट। वो क्या कहलाएगी? एफ्लुएंट जो दाखिल हो रही है शेयर, इफ्लुएंट जो उससे खारिज हो रही है। और खारिज घरों में अगर हम पानी के लिहाज से देखें, हमारे खेतों में या हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर वेस्ट वाला पानी होता है, वेस्टेज होती है। अब उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो हैं ये क्या है। द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मे बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल एंड ग्रीजिस। ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं। क्या क्या हैं बेटे? हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, हैवी मेटल्स,
ऑयल्स एंड ग्रीजेस। अब ये आते कहां से? ये आ रहे हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज के अंदर एक मेन प्रोडक्ट बन रही, अब उस मेन प्रोडक्ट के नतीजे में जो हमारी प्रोडक्ट्स साथ अजाफी वेस्ट मटेरियल बच रहा है वो भी उसी के साथ बह के पानी के साथ शामिल हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है वो किस तरह के आ रहे हैं उस फैक्ट्री के ऊपर, वो उस कारखाने के ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर कि कौन सी इंडस्ट्री है, किस टाइप की इंडस्ट्री है, उसमें से कौन से वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ चमड़ा रंगने की कारखाना, अब उस चमड़ा रंगने के कारखाने में उस खालों को जब धोया जाएगा तो वहाँ से मिनरल एसिड्स जो हैं वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। वो मिनरल एसिड्स जो हैं उस पानी के साथ रश ऑफ करके वहाँ से बाहर खारिज होंगे। अब चूंकि उनको ट्रीटमेंट के बगैर डाला गया, उसमें से वो मिनरल एसिड सेपरेट नहीं किए गए, वही मिनरल एसिड जो हैं वो वाटर बॉडीज के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहाँ का जो वेस्ट होगा उस हिसाब से होगा। अगर हमारी कोई साबुन की फैक्ट्री है तो वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल होगा उसमें आपके सोडे भी शामिल होंगे, वहाँ पे आपके ऑयल्स भी शामिल होंगे, वो उस पानी के साथ शामिल होकर बाहर खारिज होंगे। तो व्हेन दीज इफ्लुएंट्स एंड यूज्ड वाटर एंटर लेक्स स्ट्रीम्स रिवर्स और ओशंस दे आइदर गेट डिसॉल्व्ड और फ्लोट सस्पेंडेड इन द वाटर। अब अगर तो बेटे ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स या मिनरल एसिड्स हैं ये तो उस पानी के अंदर हल हो गए, हल हो के भी ये नुकसान दें, अगर ये ऑयल्स एंड ग्रीजेस हैं ये उसके ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, दोनों सूरतों में ये नुकसान दें। इवन दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द बेड्स, यहाँ तक के वो उसके ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं। जब वो जमना शुरू हो गए, उसके ऊपर तैरते हुए जमना शुरू हो गए तो नीचे तक वो ना हवा जाने देंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी, ना वो रोशनी जाने देंगे, सनलाइट की कमी, तो उस वजह से क्या होगा, जो उस पानी के अंदर रहने वाली मखलूक है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएगी। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इससे क्या हो रहा है, पानी की क्वालिटी जो है वो तबाह हो रही है। जहां पे बेटे साफ पानी ने जो काम करना है, ये कंटेमिनेटेड पानी वो काम कर सकेगा? नहीं हो सकेगा। दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। दे कॉजेस डेफिशिएंसी इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब वो पानी के अंदर हल शुदा जो ऑक्सीजन थी वो तो जिंदगी की अलामत थी उसके अंदर मौजूद जानदारों के लिए, जब वो कम हो गई वो जानदार भी मरना शुरू हो जाएंगे। दे कैन ऑल्सो सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर। मतलब क्या कि वो इस पानी के साथ हल होके ज़मीन में नीचे बैठ जाएंगे, ज़मीन में जज़ब होना शुरू हो गए। जब वो ज़मीन में जज़ब होना शुरू हो गए दे इफेक्ट ग्राउंड वाटर। अब बेटे यही ग्राउंड वाटर जो है वो हम टर्बाइन्स के ज़रिए वाटर पंप्स के ज़रिए निकालते हैं और अपने पीने के मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तब अब वो पानी साफ रहा वो भी ख़राब हो गया। हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम लेड एंड मर्करी, ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ हैं या इलाके होते हैं वहाँ पर भी ये जो ग्राउंड वाटर होता है ये पीने के काबिल नहीं रहता। उसकी वजह क्या होती है कि उस फ्लशिंग के दौरान
उस कारखाने की फ्लशिंग के दौरान हैवी मेटल्स वो भी सीप डाउन करती हैं। अगर वो सीप डाउन नहीं भी करती, उस पानी के साथ ही हल होके उन वाटर बॉडीज़ के साथ चली जाती हैं, तो ये अब हैवी मेटल्स उस पानी में मौजूद, वो जब इस्तेमाल किया जाता है, पानी हम करते हैं इस्तेमाल, हम में भी बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं। अगर वो जानदार जो उसमें मौजूद हैं, मछलियाँ, फ्रॉग, स्नेक्स, वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी वो नुकसानदेह। उनके तो हमने पढ़ा था कि वो जो गिल्स होते हैं उनके अंदर क्लॉक कर जाते हैं, उनकी ब्लॉकेज कर देते हैं। फिश जो हैं, इन्होंने पानी को अपने गिल्स के अंदर लेके जाना होता है, जैसे हम ऑक्सीजन, हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं फेफड़ों में, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ गई, फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जज़ब हो गई। इसी तरह जो फिशेज हैं वो गिल्स के अंदर पानी लेके जाती हैं, उस पानी में मौजूद जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो अंदर जज़ब कर लेती हैं, उनके ब्लड में जज़ब हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस पानी में शामिल कर देती हैं, फिर उस पानी को वो बाहर निकाल देती। तो जब उस पानी के अंदर हैवी मेटल्स मौजूद हैं, ये कैडमियम, लेड, मर्करी, ये जब उसके अंदर मौजूद हैं, तब उस पानी के साथ ये भी उनके गिल्स में जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उनके गिल्स जो हैं चोक हो जाएंगे इन हैवी मेटल्स की वजह से। अब जो गैसियस एक्सचेंज पहले वो कर पा रही थी, अब वो नहीं कर पाएंगी, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग काजेज हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कि अगर हैवी मेटल्स जो हैं उनमें, वो चीदा चीदा की एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैडमियम है जैसे, ये इंसानी सेहत को इंतहाई नुकसान दे। किस तरह से नुकसान दे, कि वो ब्लड प्रेशर का बाइस बनती है, किडनी डैमेजेस का बाइस बनती है, और रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन का बाइस बनती है। अक्यूट लेड पॉइजनिंग काजेज डिसफंक्शन ऑफ किडनी। अगर हमारे पीने वाले पानी में या इस्तेमाल करने वाले पानी में जो हम कुकिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैडमियम मौजूद है, लेड मौजूद है, तो वो भी हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मर्करी पॉइजनिंग काजेज न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस। न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करती है। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो हैं वो इतने तरीकों से हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी सेहत को इफेक्ट करते हैं। अब आगे बात बेटे डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, घरेलू हमारे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं, ये डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस कहलाते हैं। अब चूंकि इस्तेमाल बढ़ गया बेटे किन का, डिटर्जेंट्स का, सर्फ सोडों की शक्ल में इस्तेमाल बढ़ चुका हमारे डस्टिंग पर्पसेस के लिए, जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, ये क्लीनर इस्तेमाल कर लें जी, ये शीशे को अच्छा साफ़ करता है, ये क्लीनर इस्तेमाल कर लें जी, ये पत्थर की स्लैब को बड़ा अच्छा साफ़ करता है, ये क्लीनर इस्तेमाल कर लें जी, ये शीशे की अलमारियां बड़ी अच्छी साफ़ करता है, बाथरूम के फ्लश धोने के लिए और केमिकल, बाथरूम के जो आपके वॉश बेसन होते हैं उनको धोने के लिए और केमिकल्स। अब ये सारे केमिकल्स जा कहाँ रहे हैं, उस पानी के साथ ही उनको फ्लश किया जाता है ना। सेम धोया सर्फ सोडे डाल के, फिनोल डाल के, जिसे हम फरनेल के नाम से भी जानते हैं, मुख्तलिफ बोतलों की शक्ल में पैकिंग आ रही मुख्तलिफ नामों से, वो डाल के डिसइंफेक्ट किया जाता है हमारे फर्श को, हमारी शीट्स को, हमारे किचन को, तो वो बाद में तो पानी के साथ ही धो के उसको अल्टीमेटली गुजारा जाता है ना। अब ये जो हैं ये हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस हैं। इसके अलावा जो हमारा सॉलिड वेस्ट वो भी पानी के साथ ही बहाया जाता है। बर्तन धोए जा रहे हैं, उनमें बचा कुचा खाना पानी के साथ जा रहा है। चाय बनाई उस पतीली के अंदर, उसकी पत्ती
वो भी पानी में जा रही है। सब्जियां काटी गई, बनाई गई, उनके जो वेस्ट होते हैं वो भी इसी तरह से पानी के साथ। अब बेटे ये जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, ये जो हमारे सर्फ सोडे हैं, साबुन है, कपड़े धोए गए, कपड़े धोने में सबसे ज़्यादा साबुन भी सर्फ भी जा रहे हैं। अब ये जो हैं ये हमारी पानी की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। अब वो घरों के बाहर हमने कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं अपनाया हुआ कि पानी साफ हो के उस वेस्ट में जाएगा, वो बल्कि अलहदा से एक पाइप डाल के उनको दाखिल किया गया, बड़े उनके पाइपों के अंदर, बड़े पाइपों को एक बड़े रेजरवायर के अंदर, और बड़े रेजरवायर से वो फिर किधर जा रहा है? अल्टीमेटली तो वो हमारी एक्वेटिक लाइफ तक पहुंच रहा है, या वो सीप डाउन कर रहा है वो गंदा पानी, फिर हम दोबारा निकाल के पी रहे हैं, हम कौन सा उसको ट्रीट करके बाहर छोड़ रहे थे। तो डिटर्जेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे फॉर क्लीनिंग पर्पजेज इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज। इट इज बिकॉज डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन देन दैट ऑफ सोप इवन इन हार्ड वाटर। दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सॉल्यूशंस, बट दे हैव अ मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप एज सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। के जो ये सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, ये ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। उसकी वजह, इनको जिंदा जानदार सादा मटेरियल्स के अंदर नहीं तोड़ सकते कि ज्यादा टॉक्सिक से कम टॉक्सिक में इसको तब्दील कर सके। मतलब जिंदा जानदार से मुराद मेरा बैक्टीरिया वगैरह ही है जो वैसे डिग्रेड करते हैं मटेरियल्स को, तो वो इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। बट दे हैव, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट्स इज डिस्चार्ज इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। द डिटर्जेंट्स रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब बेटे ये किस तरह से, इनके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट भी ज्यादा होता है और इनके अंदर फास्फोरस कंटेंट भी ज्यादा होता है। अब ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट है, दैट कॉजेस अ लार्जर ग्रोथ ऑफ एल्जी। इनकी वजह से एल्जी की ग्रोथ बहुत खूब होती है। आपने देखा होगा कि जो भी घरों से निकलने वाले पानी के रास्ते के पाइप होते हैं या नालियां होती हैं या इनके बड़े रिजर्वायर होते हैं, वहां पे एल्जी की ग्रोथ ठीक ठाक हुई होती है। हरे रंग की एक पूरी तय बनी होती है उनके ऊपर, मोटी ताजी। अब ये वाली जो एलजी की ग्रोथ है, ये नुकसानदेह साबित होती है अपने से नीचे मौजूद मखलूक के लिए। वो किस तरह से? पहली बात, ये एलजी जो है ये सनलाइट को नीचे नहीं जाने देगी। जब ये सनलाइट को नीचे नहीं जाने दे रही, तो उसके नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? डेड होना शुरू हो जाएंगे। ये अपने से नीचे ऑक्सीजन को नहीं जाने देती, क्योंकि ये खुद ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रही है। जहां पे इनका हजूम ज्यादा है, जहां पे इनकी तादाद ज्यादा है, मिकदार ज्यादा है, वहां पर इनकी अपनी डेथ भी हो रही। तो जो डेड एलजी हैं, जब उनकी डिके होती है तो उस डिके के दौरान भी ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अपनी रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उस ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन और पानी वाली
जो मखलूक है उसके दरमियान भी एक बैरियर के तौर पर, और फिर इनकी अपनी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो गई तो उससे में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, बल्कि जो अनवांटेड गैसेस इनकी डिके से बन रही हैं वो नीचे पानी में जा रही हैं। तो उन जानदारों के लिए ऑक्सीजन का तो सोर्स ही ख़त्म हो गया। जब उनके लिए वो फिर जो मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन प्लांट्स हैं, मैरीन लाइफ जो है उसकी अपनी डेथ होना शुरू हो जाती है। जब उनकी अपनी डेथ होती है तो जाहरी बात है इनका भी डिके शुरू हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू हो जाती, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो बची खुची ऑक्सीजन थी वो इन्होंने इस्तेमाल, इनके डिके में इस्तेमाल होना शुरू होगी। अल्टीमेटली उस जगह की अभी मखलूक जो है वो ख़त्म हो गई, वो गल सड़ भी गई ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्जी। Domestic sewage contains a wide variety of dissolved and suspended impurities. They include food and vegetable waste, garbage, cane, bottles, chemical soap, washing powder. It also contains disease-causing microbes. All these substances add to the water pollution. कि ये जो हमारा domestic effluent है ये भी इससे किसी सूरत भी कम नहीं है, ये भी उतना ही खतरनाक है। इसमें हमारे हर तरह के वेस्ट, इवन पॉलीथीन के शापर उसमें फिर रहे होते हैं, बॉटल्स उसमें हैं, केन्स उसमें हैं। तो वो हमारी जो पानी की खूबसूरती है, खूबसूरती उसके अपने जानदार, उसके गिर्द अपने पौधे, वही होते हैं उस पानी की, और उसकी सफाई सुथराई जो है वो उस पानी की खूबसूरती थी। तो वो ये ख़त्म करते चले जा रहे। अब आगे बेटे एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस। अब एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस कैसे नुकसान दें? एग्रीकल्चर में बेटे हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जरासीम को मारने के लिए, पेस्ट को खत्म करने के लिए, ताकि हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचे, स्प्रे जिन्हें हम कह देते हैं। हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भी कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो हमारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं दे आर द चीफ काज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस। ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं, पानी के अंदर हल हो के दोनों तरीकों से रश ऑफ भी करते हैं उस पानी के साथ, बह भी जाते हैं उस पानी के साथ, सीप डाउन भी करते हैं उस पानी के साथ। अब जब हलशुदा हैं उसमें रश ऑफ हो गए तब भी ये वाटर बॉडीज में चले गए, अगर वो सीप डाउन कर गए तो तब इन्होंने ग्राउंड वाटर को तबाह करना शुरू कर दिया। अब ये सेम मैकेनिज्म, ये एल्जी की ग्रोथ वाला, चूंकि इनमें भी नाइट्रोजन और फास्फेट्स, फास्फोरस की सूरत में फास्फोरस मौजूद है, ये इस एल्जल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप काजेज दीज केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर कॉमनली कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। सीपिंग उनकी ये क्या बनाती है, क्या कौन से प्रोसेस? लीचिंग प्रोसेस, कि ये सीप डाउन करके हमारे ग्राउंड वाटर को इफेक्ट कर रही है। हाई नाइट्रेट कंटेंट्स इन ग्राउंड वाटर इज मेनली बिकॉज ऑफ इरिगेशन रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड। रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड वेयर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड एंटर इनटू द पॉन्ड, स्ट्रीम्स और रिवर। दिस वाटर कंटेन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट साल्ट्स। दीज सब्सटेंसेस रिजल्ट इन रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी। और ये फिर पूरा मैकेनिज्म जो कि ये एल्जल ग्रोथ जो है उसकी प्रमोशन का बाइस बनता है, और ये बढ़ी हुई एल्जल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हम डिटेल में देख चुके हैं, वो हमारी किस तरह से इफ़ेक्टिव होती है या वो इफ़ेक्ट कर रही है हमारे वाटर बॉडीज़ को।
अब बेटे वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने बेटे देखा कि ये पानी को अनफिट कर रहे हैं। जब पानी अनफिट हो रहा है हमारे लिए तो हमारे लिए सेहतमंद तो नहीं है वो। इट इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन काज कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया। पहली बात, इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये पानी पिया नहीं जा सकता, अगर पिएंगे हम तो वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं उनका शिकार होंगे। द यूज ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज नॉट ओनली डिवास्टेटिंग फॉर पीपल बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। कि ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, किन के लिए नुकसानदेह हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपने खाद डाली हुई है, पानी लगा दिया, अब परिंदा वो पानी पीने के लिए अगर बैठेगा तो वो खाद मिला पानी उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। इट काजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी, और वो पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ चुके इसके इफेक्ट्स में। ये मेन इफेक्ट है बेटे कि रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी, और वो एल्जी की ग्रोथ की एक शय को नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो पूरे के पूरे उस इकोसिस्टम को तबाह करती। इट इज डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ दस ब्रेकिंग अ लिंक इन द फूड चेन। ब्रेकिंग अ लिंक ऑफ फूड चेन, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो हमारी फूड चेन का हिस्सा है। अगर वो तबाह हो रही है तो फिर हमारी फूड चेन भी तबाह हो रही है। इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, उनकी खूबसूरती को खत्म कर रही है। उनकी खूबसूरती बेटे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके उसके जानदार हैं। अगर उसमें जानदारी उसके मौजूद नहीं और पानी गंदा है तो अब उसकी खूबसूरती तो कायम नहीं रही, वो तो खत्म हो गई। इट इज अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पजेस, ये धुलाई के लिए भी अनफिट है और सफाई के लिए भी अनफिट है। गंदे पानी से धो भी लेंगे हम फर्श तो वो साफ सुथरा हो जाएगा, नो, वो तो मज़ीद नुकसानदेह बन गया हमारे लिए। तो ये है जी आज का टॉपिक हमारा, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। कोई क्वेश्चन बेटा?